दौरे ते पहुंचे दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर एयरपोर्ट ते पहुंचदियां ही पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ते साध्या निशाना ते कीता पलटवार। कहा, मेरा रंग काला हो सकता है पर मेरी नीयत साफ है। दस दिए सीएम चन्नी ने केजरीवाल नूं कहा सी काले अंग्रेज। पंजाब रोडवेज पनबस पीआरसीटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्करस यूनियन पंजाब वालों संघर्ष का ऐलान। 3 दिसंबर नूं पूरे पंजाब च बस स्टैंड ते बस 2 घंटे लई बंद करके मुलाजम करनगे प्रदर्शन। नाल ही 7 दिसंबर नूं कीती जावेगी अनमिते समय लई हड़ताल। पंजाब के साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल डेरा संत सरवन सिंह जी के सचखंड बलां विखे नतमस्तक होने लई पहुंचे। इस मौके उन्होंने सचखंड विखे मत्था टेकिया अते डेरे दे मौजूदा गद्दी नशीन संत निरंजन दास जी तो लिया आशीर्वाद। बीजेपी च अकाली कांग्रेस आगुआं दे शामिल होण नूं लै के पंजाब कांग्रेसी सांसद जसबीर सिंह गिल डिंपा ने दिता वड्डा बयान। कहा, पंजाब च किसी भी मंत्री ते कोई दबाव नहीं पर पंजाब च कैप्टन होवे ते भावें अकालियां दे कोई भी होवे, जे कोई भी बीजेपी विच जांदा है तां उसदा सियासी खात्मा तय है, फिर ओह भावें मैं ही क्यों ना होवां। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर तो कांग्रेस नूं अपनी सियासी जमीन ते पकड़ बनाउन लई सलाह दित्ती। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस की विचारधारा अते जगह मजबूत विरोधी धिर लई बहुत जरूरी है पर पिछले 10 सालों च 90% चोणां हारन वाली पार्टी तय नहीं कर सकती कि अगवाई कौन करेगा। जलंधर के नैशनल हाईवे जाम करके विद्यार्थियों ने किया प्रदर्शन। पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती च पेपर देने वाले विद्यार्थियों का इल्जाम, सरकार ने 80 बच्चों 25% राखवा सीट देने का किया वादा पर अजे तक नहीं आई कोई नोटिफिकेशन। दिल्ली के वातावरण मंत्री गोपाल राय ने वीरवार को कहा कि हवा प्रदूषण के विचकार दिल्ली के सारे स्कूल कल तो अगले हुक्मों तक रहेंगे बंद। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सवाल किया कि जो सरकार ने बालगा लई घरों तो काम लागू करन दे हुक्म जारी किए ने तब बच्चों लई स्कूल जाना जरूरी क्यों। भारतीय मौसम विभाग ने वीरवार को कहा कि दक्षिणी अंडमान सागर से बनया दबाव अगले 36 घंटों में चक्रवर्ती तूफान जवाद का रूप धारण कर लवेगा। मौसम विभाग ने 3 से 5 दिसंबर लई चेतावनी की जारी। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा लई 3 और 4 दिसंबर को निर्धारित 95 ट्रेनों को किया रद्द। जम्मू कश्मीर के साबका मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने 2024 होने वाली अगलिया लोकसभा चोणों च उन्हां दी पार्टी दी बहुमत हासिल करन दी संभावना नूं खारिज करदिआं कहा, काश कांग्रेस 300 सीटां नूं जित्तण दे इस टीचे नूं प्राप्त कर सकदी पर मैनूं अजिहा हुंदा नजर नहीं आ रहा। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने एक बयान जारी करदिआं कहा कि संसद विच बेअदबी नूं जायज़ ठहराउण लई प्रचार किया जा रहा है। इस बयान विच उन्होंने 12 संसद मैंबरां दी मौतली नूं लै के विरोधी धिर वल्लों कीते जा रहे विरोध ते साध्या निशाना।